हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कस फिश एक्वाकिंग। एक्चुअली इट्स वेलकम बैक टू माय चैनल डिस्कस फिश एक्वाकिंग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप फिल्टर के बारे में, जो हमने इसमें इंस्टॉल किया है। जो इट्स बीन अबाउट एक मंथ हो गया है हमें इसे इंस्टॉल करके, और इसका रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छा मिला है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे, इसकी अनबॉक्सिंग प्लस कैसे हमने इसको इंस्टॉल किया है। और तो बने रहिए हमारे साथ। और आप देख सकते हैं कि अभी इसका पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है, तो इसी के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं। ये है RS इलेक्ट्रिकल का RS 380। ये 2 फीट टू 2.5 फीट के लिए इनफ है, और हमारा जो टैंक है वो 2.5 फीट है। तो अच्छा है, अब इसके अंदर हम बताते हैं आपको क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। ये मोटर है टॉप फिल्टर की, इसे हम रिमूव कर देते हैं। और फिर इसके अंदर हमें मिलेगा एक बॉक्स है जिसके अंदर हम बायोमीडिया होल्ड कर सकते हैं। ओके, ये बॉक्स है जिसके अंदर हम बायोमीडिया होल्ड कर सकते हैं, स्पंज फिल्टर लगा सकते हैं। ये इसका स्टैंड है। और इसके अंदर हमें जो जो मिलेगा, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें पास है पाइप एक, उसके बाद है ये नोजल, उसके बाद है ये इनपुट के लिए ऑप्शन, फिर उसके बाद है ये सक्शन पंप, और ये एयर पंप, और ये एक पेपर है। देन ये नेट मिलता है हमें, जिससे बायोमीडिया होल में ना आ जाए। और ये फिर आउट पंप के लिए ऑप्शन है। तो फटाफट से इसको हम असेंबल करते हैं, और फिर इसे फिक्स करते हैं, और हमारे फिश टैंक के ऊपर सेट करते हैं। तो इस पाइप को हमें यहाँ पे लगाना है ऐसे। ओके, इसे ऐसे फिट करना है, और यहाँ पे हमें आउट पाइप लगाना है। आउट पाइप को यहाँ पे फिट करना है। इसको जस्ट हमें यहाँ से डालना है, और ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। इसके ऊपर फिर हम नेट लगाएंगे, ताकि कोई भी बायोमीडिया इसमें होल को ब्लॉक ना कर दे, और जिससे पानी ओवरफ्लो ना हो जाए। देन इस पाइप को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और इसका जो सेकेंड ऑप्शन है उसे हम मोटर में, इस मोटर के इस वाले हिस्से में पैक कनेक्ट करेंगे, ताकि पानी यहाँ से उस ऊपर वाले टॉप फिल्टर में जाए। तो अभी हम इस टैंक को पूरा खाली करेंगे, और इसकी जो फिश है वो साइड में मूव करेंगे। और फिर इसमें जो हमने नया फिल्टर लाया है टॉप फिल्टर, वो इंस्टॉल करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोग ने इसका 75% पानी खाली किया था, फिर फ्रेश वाटर भरा, बट 2 दिन में फिर से ये हरा हो गया। तो इसको एक बार हमको पूरा पोटेशियम बाद दे के पूरा टैंक खाली करके एक बार साफ धोना पड़ेगा, ताकि इसमें जो एल्गी है वो पूरा निकल जाए, और वो जल्दी से वापस से जल्दी से ग्रो ना हो। तो इसलिए हमको उसको पूरा एम्प्टी करना पड़ेगा। उसीलिए हम पूरा टैंक खाली करेंगे, फिश को बाजू में मूव करेंगे, एंड देन टॉप फिल्टर इंस्टॉल करेंगे। तो पहले टैंक को खाली कर देते हैं, और टॉप फिल्टर को सेटअप कर लेते हैं। तो अभी हमने सब चीज़ों को वॉश कर लिया है, अब इसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये लगाएंगे केज, और इसके ऊपर हम डालेंगे बॉटल। ये फिल्टर फ्लॉस हम इसमें डालेंगे, इसको फ्लॉस कट कर गए। Thank you.
इसके लिए हम ऐड करेंगे बायो मीडिया। ये हमारा DIY प्रोजेक्ट था, बायो मीडिया था, और हम इसको डिस्कंटिन्यू करके इसमें मूव करेंगे। सो मीडिया हमारा इसमें अभी भी है, देख सकते हो, और इसका इसमें मूव करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारा पानी क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। जब से हम ये टॉप फिल्टर यूज़ कर रहे हैं हमें काफ़ी डिफरेंस पता चला है। एक हमारे पास स्पंज फिल्टर है और यह टॉप फिल्टर है जो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। जितना ज़्यादा ग्रीन पानी था उसके एवज में ये बहुत ही कम है, तो इट्स रियली हेल्पफुल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स अ लॉट, बाय फॉर नाउ।